स्पीकर पद को लेकर के पहली बार यहां पर चुनाव हो रखा है और मतदान होगा, लिहाजा देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से तस्वीर आती है। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां किस तरीके से देखिए यहां पर ये बड़ी खबर इस वक्त जानकारी के लिए आपको बता दें, कांग्रेस के स्पीकर उम्मीदवार के टीएमसी ने नहीं किया साइन। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सूत्र बता रहे दरअसल कि देखिए किस तरीके से यहां पर तनातनी की स्थिति बनी हुई है और इसके साथ ही बता दें कांग्रेस के स्पीकर उम्मीदवार के लिए टीएमसी ने नहीं किया है साइन, यानी कि टीएमसी यहां पर कहीं ना कहीं साथ नहीं है और इस तरीके से यहां पर एक और बार अंदर से तनातनी की स्थिति निकलती हुई नजर आ रही है। और बड़ी खबर, ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है स्पीकर के लिए, सरकार की तरफ से वो उम्मीदवार है, लोकसभा सचिवालय में नामांकन दाखिल किया है और ऐसे में सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी मिल रही थी कि ओम बिरला ही यहां पर देखिए एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं स्पीकर पद के लिए और यही हुआ भी है, लोकसभा सचिवालय में नामांकन दाखिल उन्होंने किया और इसके साथ साथ अब वो उम्मीदवार है यहां पर सरकार पक्ष की तरफ से। स्पीकर पद पर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है, कहा मैंने कल से अभी तक खड़गे जी से तीन बार बात की है और क्या कुछ कहा सुनवाएंगे। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे, अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। यूपीए के समय में हमने दिया था, तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। वैसे खड़गे जी का सीनियर लीडर है, उनका सम्मान करता हूँ, कल से लेकर आज तक उनसे तीन बार हमारी बात सर इतिहास में पहली बार